खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनिया, ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता, फूल गली खुशलाणी रेडियो के सामने, खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। खंडवा कलेक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो खूब सुर्खियां भी बटोर रहा है। वीडियो में कलेक्टर योग करते हुए रॉक क्लाइंबिंग करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं शीर्षासन सबको चौंका रहा है। वायरल वीडियो में वह जिम ट्रेनर की तरह अपने हाथों के बल अपने शरीर का संतुलन बनाते भी दिखाई दे रहे हैं। लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर कलेक्टर अनिल द्विवेदी का कहना है कि हमें अपनी दिनचर्या से कुछ समय निकालकर इस तरह के एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे हम तमाम तरह की बीमारी से तो बचेंगे ही, साथ ही मोटापा भी कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आने वाले समय में कहीं घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। कोरोना ने भी हमें सिखाया कि योगासन कर हम कोरोना को मात दे सकते हैं। बस यही मैसेज था एक कार्यक्रम के दौरान वहां बैठे बच्चों को कुछ एक्टिविटी बताने के दौरान किसी ने यह वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। यही नहीं, एक वीडियो में तो कलेक्टर अनिल द्विवेदी अपने बंगले के बगीचे में भी इस तरह के करतब करते हुए दिख रहे हैं। वह लस्सी के भर पर पेड़ के ऊपर चल नीचे आ रहे हैं। दरअसल जो वीडियो वायरल हो रहा है वह एक योग कार्यशाला के कार्यक्रम के दौरान का है, जहां कलेक्टर अनिल द्विवेदी अपने आप को करतब दिखाने से रोक नहीं पाए। उन्होंने रस्सी के सहारे ऊपर तक चढ़कर करतब दिखाया, तो वहीं शीर्षासन करके भी उन्होंने अपनी फिटनेस को साबित किया। इतना ही नहीं, वह अपने दोनों भुजाओं पर सीधा भी लेट गए। उनके इस करतब का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सख्त कलेक्टर माने जाने वाले खंडवा कलेक्टर अनिल द्विवेदी का यह वीडियो वायरल होने से यह तो पता चलता है कि वह अपनी फिटनेस को लेकर बहुत सजग हैं और कई बार इस तरह से एक्सरसाइज करते हुए दिखते हैं। कार्यक्रम में गया था जिसमें वहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं जो मलखम करते हैं और रस्सी पे भी मलखम करते हैं और योग करते हैं, तो उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई कि क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत योग करता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ, तो
आप भी कुछ करके दिखाएं। तो उसी के उसमें ही मैंने उनको मयूरासन और शीर्षासन और रस्सी चढ़ के दिखाया। और मुझे लगता है जो हमारे देश में अभी वर्तमान में ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भी इतनी ख्याति प्राप्त की है, तो बच्चों को सही एज में मोटिवेट करना ताकि वो अपनी प्रतिभा के अनुसार और मेहनत करके और देश का नाम रोशन कर सकें। तो खंडवा में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छा, काफ़ी अलग अलग खेलों में प्रतिभा प्राप्त है जिनको, बहुत अच्छा टेनिस खेलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मलखम्ब और योग भी बहुत बच्चे करते हैं। स्टेडियम भी जैसा कि हम लोग सब देखते ही हैं कि काफ़ी लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रतिभाओं के अनुसार खेलते कूदते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मानसिक चुस्ती के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती बहुत आवश्यक है, और हम सबको अपनी जितना भी बिजी हों या चाहे जितना भी हम फ्री हों, हमको 1 घंटा 2 घंटा हर दिन अपने पर्सनल शरीर के तंदुरुस्ती के लिए निकालना बहुत आवश्यक है। और उसी को देखते हुए वो वीडियो किसी ने बना के और सर्कुलेट हो गया होगा, पर मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को प्रेरित करें सब लोग, और दूसरों को देखकर प्रेरणा मिलती है। कई बार ऑफिसेज में भी और सरकारी कार्यालयों में भी या बहुत कॉरपोरेट ऑफिसेज में भी लोगों का ये शिकायत रहती है कि हमें समय नहीं मिल पाता, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमको यदि शरीर के लिए हम समय नहीं निकाल सकते तो ये काफ़ी एक प्रॉब्लम का विषय है। और कोविड काल में भी और उसके पहले भी डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, अब बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका और अन्य देशों में, अब भारत में भी धीरे धीरे ओबेसिटी का प्रॉब्लम होती जा रही है। डायबिटीज़ और अन्य रक्तचाप की बीमारियां जो हैं वो भी जैसे जैसे मोटापा या थोड़ा सा ओवरवेट व्यक्ति होता है तो ये आती आती हैं, दिल की बीमारियाँ होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लगातार एक्सरसाइज करें और अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें।